मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर से आया, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हूँ रानी तिवारी जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूँ। मेरे अपने बच्चे का फोटो लगा रही हूँ, पोते। मेरा पोता जिसका नाम राघव आराध्या तिवारी है, उम्र 9 वर्ष है, जिसको एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया, जिसको ब्लड कैंसर हो गया। अब 9 वर्ष के बच्चे को जब ब्लड कैंसर हो गया, डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया। और डॉक्टर के हिसाब से आप बच्चे का फोटो देख रहे होंगे एलईडी पर, टीवी पर, जिस बच्चे को 9 वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर हुआ। आराध्या तिवारी, राघव तिवारी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब करें क्या? जब डॉक्टर ही जवाब दे दिया तो फिर अब किसके आगे हाथ फैलाएं, किससे कहें? गुरुदेव, दूध की थैली जिसके यहां से लेने जाते थे, वो आपकी कथा सुनता, उसने कह दिया 2-3 दिन से आए नहीं तुम दूध लेने के लिए, कहा पोते को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है और तकलीफ में है, तो कैसे आए? तो उसने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की, उसको सुनते हो? हम नहीं सुनते। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ना बताता है और बेलपत्र खाना बताता है। आपके पोते को हाथ लगवा के शिव जी को जल चढ़वा, उस जल को उसको पिलाओ और एक बेलपत्र उस चढ़ी हुई खिलाना प्रारंभ करो, इसके बाद जांच कराना। बाबा, जिस पोते को कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारी बताती, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मेरा 9 साल का बच्चा पोता। अब बाबा का कृपा देखिए कि दूध बेचने वाला आपकी कथा का वर्णन किया, तो हमने YouTube पर सर्च कर कथा सुनी, फिर हमने टीवी पर आपकी कथा देखना प्रारंभ करी और बच्चे का दिल भी उस कथा में लग गया। बच्चा खुद हाथ लगाकर जल देता, शिवजी को चढ़वाते, उस पानी को पीता और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि दूसरी बार जब बच्चे की जांच हुई, पूरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। कानपुर से रानी तिवारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ी है शंभू, यहां आपका भरोसा जीतता, यहां आपका विश्वास दृढ़ी होता। अपनी